is forgotten unless there are elections. Let's go across to Kishore Tiwari sahab and ask him. Kishore Tiwari sahab, namaskar. Namaskar, namaskar, bolo bhaiya. Namaskar sir, how are you sir? Kya lag rahe hain sir? Look at that jacket and look at that shirt. Kya zabardast lag rahi hai sir. Wow, wonderful. Aapne to Modi ji ko bhi beat kar diya sir. अरे नहीं, कुछ चीजें तो इम्पॉसिबल है। अरे मोदी जी अरे मैं प्राणायाम करता हूँ और विपक्षक हूँ तो उससे जो भी कुछ अच्छा लगता है, बहुत बड़ी चीज है कि शील आपका अच्छा रहना चाहिए। जी दुरुस्त बात है सर। क्या है कि जहाँ पर हमारा ऑफिस है, जहाँ पर हमारा स्टूडियो है, उसके सिर्फ 2 मिनट दूर आदरणीय सम्मानीय आनंद अंबानी जी की आज उनका विवाह है, शादी हो रही है। बहुत ज़बरदस्त शादी है सर, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। और उसके पहले जामनगर में भी उसकी वो हुई थी। अरे यार, अनंत अंबानी की शादी है, उद्धव ठाकरे की शादी नहीं है भाई। उद्धव ठाकरे को क्यों दिखा रहे हो यार? तो मेरा ये कहना है कि सर, उनको आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जरूर। अरे शादी है तो देना चाहिए। और अनंत अंबानी ये मटेरियल है तो देश की पॉलिसीज, अगर वो कोर इशू जो देश के सामने है जी। अब आज जैसे उन्होंने कहा कि संविधान हत्या दिवस मनाएंगे जी। क्या है, देखो 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने गलती की। वो उन्होंने जो मानवाधिकार थे उसको पिच कर दिया था, जिसकी उनको पेनल्टी भी दी गई और उन्होंने रिग्रेट भी किया। और हम पास्ट में कितना जिएंगे ये भी एक बात है। बीजेपी सोचती है कि ये नैरेटिव बन गया था और संविधान खतरे में आ गया था, इसलिए लोगों ने वोट नहीं दिए, तो एक मुद्दा हो सकता है। अपन चुनाव में नकारने का वही एक मुद्दा नहीं था, चुनाव में नकारने का मुद्दा तो ये भी था ना कि आपने कोर इश्यूज पे फोकस नहीं रखा। अभी ऐसा हो चुका है कि मोदी जी इसको अपनी विजय मानते हैं तो मान ले, उसका कोई उसको नकार थोड़ी सकता है, लेकिन देश के जो विषय है गंभीर वो तो रहेंगे और हमारे शरीर के एक्टिविस्ट लड़ते रहेंगे। और हम तो राजनीति में जब अब मैं देखता हूं तो मैंने आज पिछले 2001 से मैं विदर्भ प्रांत के जो पश्चिम विदर्भ में काम करता हूं वहां पर करीबन 27,234 किसानों ने आत्मघात किया, जिसमें यवतमाल जिले में 7,170 थे और अमरावती, ये जो बड़े जिले हैं। अब मैंने ये इसमें लिखा कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त भी था, उन्होंने किसान मिशन की स्थापना की थी और उन्होंने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था कि एक समस्या है। उसके बाद 2004 में उनको नकारा गया तो मनमोहन सिंह आए, फिर स्वामीनाथन ने किसान मिशन का काम देखना चालू किया, आयोग का, वो भी मेरे तरफ आए, उन्होंने भी बहुत रिकमेंडेशन दिए। सरकार ने बहुत पैकेजेस पर पैकेजेस दिए, सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए प्रयत्न किए गए, वो पूरी तरह विफल रहे। 14 में मोदी जी आए, उन्होंने भी इस कोर इश्यू को टच करके चुनाव जीता, लेकिन 10 साल में मैं देखता हूं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा आना चालू नहीं हुआ। और हमने कई मुद्दे बोले कि विदर्भ प्रांत जहां 27,234 किसानों ने आत्महत्या की है तो सरकार इसको बड़ा विषय मानकर इस पर काम करे। और इस पर काम करने के लिए हमने जो कोर इशू हमको लगते हैं इस समस्या के कोर इशू के अंदर हम डिटेल में गए, जिसमें हमने कहा कि आप इनपुट कास्ट को रेगुलेट करो, कॉर्पोरेट कंपनियों का हस्तक्षेप थोड़ा कम करो, सब्सिडीज रिस्टोर करो क्योंकि क्राइसिस में पे है। दूसरा हमने बोला कि क्रॉप पैटर्न पर आप सब काम करो, आउटपुट क्रॉप जो कॉस्ट है MSP जिसे हम कहते हैं वो प्रैक्टिकली प्रॉफिटेबल रहे ऐसा काम करो।
क्रेडिट साइकिल अभी क्या हो गया है कि लोन वेवर दिया जाता है, लेकिन लोन वेवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर लॉस मेकिंग एक्टिविटी है तो अगले साल ही फिर से डेप्ट हो जाती है। तो सरकार को हमने बोला कि क्रेडिट पॉलिसी पर आप लॉन्ग टर्म काम करो, अंडर फाइनेंस करने वाली पीएसयू बैंकों को प्रताड़ना की जाए, दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो 28% तक ब्याज देते हैं, नए साहूकार बने हैं इनको रेगुलेट करो, जीएसटी तरीका है, प्राइसिंग कंट्रोल तो होना चाहिए इनपुट के अंदर, सरकार है कहाँ मुझे मालूम नहीं। और मैं आपको बताता हूँ कि विदर्भ प्रांत ये पूरे भारत में नहीं विश्व में किसान आत्महत्या के लिए बड़े फोकस में है। इस साल 618 किसानों ने आत्महत्या की है। निर्मला सीतारमण ने डिस्कशन किया स्टेक होल्डर बोलकर, तो आपको आश्चर्य लगेगा सब कॉर्पोरेट के लोगों से किया, फार्मर रिप्रेजेंटेटिव बोल के जो लोगों को बुलाए थे उसमें से एक हमारे महाराष्ट्र के थे जिनको अभी नोटा से कम वोट मिले थे जी, और उनसे डिस्कशन करोगे। कल महाराष्ट्र के जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने डिस्कशन किया, किससे किया, उनके निकम में ब्यूरोक्रेट और कृषि जो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर जिन्होंने ये पूरा समस्या उत्पन्न की है। अब मुझे बताइए राजीव जी, जमीन की प्रोडक्टिविटी को रिस्टोर करना है वो मोदी जी ने बीच में क्यों छोड़ दिया, और पानी की प्रोडक्टिविटी को रिस्टोर करना है उसको क्यों नहीं किया, और जमीन में जो विष डाला जा रहा, जो विष तुम्हारे खाने में भी है उस विष को कम करने के लिए मोदी जी ने क्या किया। अगर तेलों का उत्पादन भारत में कम है और दालों का उत्पादन भारत में कम है, वो भी टोटल रिक्वायरमेंट के 50% के ऊपर कम है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए क्या किया, मुझे बताइए। आपने हेल्थ सेक्टर में काम किया, एजुकेशन सेक्टर में काम किया, ऐसा आप कहते हो, तो आपको मैं बताता हूँ कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती है उस पर अगर बात की जाए, तो आपने बोला मैं रिस्क मैनेजमेंट में बहुत काम करूँगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने नाम से फसल बीमा योजना ले आई उसमें बहुत लैकुना है और मैक्सिमम लोगों को उससे राहत नहीं मिलती है। और जो किशोर तिवारी साहब, ये तो बात हो गई इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मैटर्स। मैं थोड़ी सी और आपसे बात करना चाहता हूँ पर्सनल, व्यक्तिगत तौर पे, इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे। गांधी जी की अगर हम लोग बात करें तो उनका एक बेसिक उनकी थियोरी थी कि या तो आप यू यूज अ विलेज एज ए यूनिट और यू यूज अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एज ए यूनिट, विलेजेस का क्लस्टर एज ए यूनिट आप इस्तेमाल करें और उनके विकास के लिए आप काम करें। When are we going to do that? When will we recognize that the attention of the budget, the attention of the center, the attention of all prime ministers must be on rural India? When are we going to recognize that? Kishore Tiwari ji. देखो, विलेज एज ए यूनिट सावरंगिटी के लिए तरफ, स्वावलंबन के तरफ अगर हम फोकस करना चाहते हैं तो बहुत काम सरकार को करना है, बहुत काम समाज को करना है। कितना समाज मटेरियल होगा, कितना प्राइवेटाइजेशन तुम कर पाओगे, कितना तुम वहाँ पर मटेरियल लाइफ का इंपोर्ट करोगे और कितना सोशल इंजीनियरिंग के इशू आप निर्माण करोगे। अब दूसरी बात थी कि खेती की, तो अब तो ये कॉन्सेप्ट आ जानी चाहिए कि मेरा परिवार मेरा किसान। अगर आप मेरा परिवार मेरा किसान नहीं करेंगे और आप किसान एडॉप्ट नहीं करेंगे और आपके लिए वो सब्जी और अनाज उगाएंगे नहीं, तो आप भी कैंसर, आप भी किडनी के अलाइनमेंट या आप गंभीर बीमारियों से आहत होंगे ही होंगे।
क्योंकि थाली में जहर बहुत महंगा पड़ रहा है। दुनिया जिन्होंने ये पेस्टिसाइड वीडिसाइड या फर्टिलाइजर्स लाए थे वो लोग तो कहते कि हमें ये नहीं चाहिए, हम ऑर्गेनिक करना चाहते हैं। अब चाइना में भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होने लगा है और भारत में ऑर्गेनिक तो सब कुछ नहीं होगा, लेकिन जो लोग कर सकते हैं खुद की जिंदगी खुद ही रिस्टोर कर सकते हैं वो लोगों को तो हम कह सकते हैं कि आप रिस्टोर कर लो। और मोदी जी से हमने बहुत उम्मीदें रखी थी। तिवारी साहब, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी इज टेलिंग दैट आवर कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल इकोनॉमी इज बी अप 15%, हमने कंट्रीब्यूट हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है इस देश का। बोले कि मोदी 3.0 में मैं तीन चीजों का संकल्प करता हूं। एक है वील बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, वील हैव 3 करोड़ हाउसेस मोर, 3 करोड़ और मैं घर गरीबों के लिए बनाऊंगा, 3 करोड़ लखपति दीदी, मेरा वादा है ये टर्म में मैं करके दिखाऊंगा। नाउ हाउ डू यू मैच मोदी जी जो संकल्प लिए हैं वो हकीकत से? बिकॉज राहुल गांधी जी का कहना है कि देखो दूध दाल सब्जी गैस टोल हर चीज महंगा, आउट ऑफ रीच आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ द कॉमन मैन। हाउ डू यू सी द रियलिटी तिवारी साहब? नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर है रियलिटी में और उनके पॉलिसीज में हम लोग जिंदा रह सके इसके लिए काम भी करना है, जो लोग आवाज उठा सकते। कांग्रेस को लीजिटिमेट राइट नहीं है, क्योंकि मैंने लिखा कि एग्रेरियन क्राइसिस ये 2001 से चालू हुआ और 2004 से 14 तक तो उनकी भी सरकार थी, लेकिन कोर इशू को वो भी तो एड्रेस नहीं कर पाए। अब जाकर सब बात हो रही है, लेकिन भारत में अभी यूनिवर्सल एजुकेशन हुआ नहीं है, भारत में प्राइवेटाइजेशन का चक्कर में हम बहुत ज़्यादा। अब मोदी कहते हैं या आरबीआई कहता है कि हमने 1.5 करोड़ रोजगार निर्माण किए, और कहाँ से आंकड़े लाते हैं मुझे मालूम नहीं। अभी तुमने बोला वो 15% इकोनॉमी वगैरह, हाँ ये सब बकवास है, भारत कहीं स्टैंड नहीं होता है। अभी भारत के देशों का भारत के बाहर पलायन, तो वो कहे कि NRI जो भारतीय है वो इकोनॉमी में दुनिया के कंट्रीब्यूट कर रहे है, तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि 105 करोड़ का देश है और चाइनीज और भारतीय लोगों ने सारी डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज में अपना वजूद लगाया है। लेकिन भारत के अंदर जहाँ 60% लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जीते हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी पर मोदी जी कहते हैं मैं 3 करोड़ घर बनाऊंगा। भैया 3 करोड़ घर बनाने के लिए क्या 2.5 लाख में घर बनता है? सरकार अगर घर बना के क्यों नहीं देती? जो 15-20 लाख का होता है वो सब घर बना के दे दे, सरकार केवल अनुदान देती है और सरकार का अनुदान या एवरेज तरीके से मैंने देखा है कि वो 10-12% है, तो सरकार कहाँ क्रेडिट ले रही है? सरकार नल से शुद्ध पानी देने वाली थी, सरकार का 90% सब खत्म हो चुका है, सरकार के बिजली बनाने वाले खुद के उद्योग थे वो बंद करके अभी वो प्राइवेट से ले रहे हैं। और महाराष्ट्र शरीर के जगह पे, मैं तो नागपुर में रहता हूँ, घंटे में 4 बार लाइन जाती है और बड़ी विचित्र परिस्थिति है देहात के अंदर, नए बहुएं आती है नई बच्चियाँ हैं रह नहीं पाती वहाँ, लो माइग्रेशन अपने अलग चरम सीमा पे चला गया। एग्रेरियन एक्टिविटी का सर्वाइवल कितने लैंड होल्डिंग पे होगा ये मोदी जी को मालूम है क्या? मोदी जी के बैंकिंग इंस्टीट्यूट कितना अंडर फाइनेंस करते हैं ये मालूम है क्या उनको? नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट कितना इकोनॉमिक रिफॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या वो पूरी इकोनॉमी लूट जा रहा है ये उनको मालूम है क्या? और ये मल्टीनेशनल कंपनियां का बाजार कहाँ है ये भी उन्होंने देखना चाहिए। और सरकार है, सरकार को उसकी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में भी इतनी सारी योजनाएं इन्होंने बनाई और महाराष्ट्र के सरकार के पास उनके सैलरी देने को पैसे नहीं है, तो आप अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट ही करोगे तो कैसा होगा? सर एक और प्रॉमिस था वेरी इंपॉर्टेंट जो जिसके ऊपर मेरा और आपका न जाने कितनी बार डिस्कशन हो चुका है,
सीड ऑटोनॉमी, सीड बीज को लेकर के, बीज को लेकर के किसान के पास जो इंडिपेंडेंस थी वो आज की तारीख में खत्म हो चुकी है. ही हैज टू गो बाय सीड फ्रॉम द मार्केट. मोदी जी जब आए थे उन्होंने कहा था, मुझे अभी तक याद है, कि ये जो मोनोपोली है मल्टीनेशनल्स की मैं खत्म करूंगा. क्या वो खत्म हुई सर? वो तो बढ़ गई और बढ़ गई. दाम पे भी नियंत्रण नहीं रख सकती सरकार. सरकार तो जब सस्ता तेल मिलता था तब भी फर्टिलाइजर के प्राइस ड्रॉप नहीं कर सकी. सरकार सरकार अस्तित्व में है या नहीं है इस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि सरकार में कोर इशू पे काम करने वाले लोग है कहाँ, ये मुझे दिखते नहीं. अभी मुझे बताइए, मोदी जी सारा देश का जिम्मा नहीं उठा सकते? मोदी जी को हम इनोसेंट भी समझ सकते हैं, क्योंकि रिहू को करते भी होंगे, मुद्रा का करते होंगे, जनधन का करते होंगे, या वो किसानों की सॉइल हेल्थ का करते होंगे, फसल बीमा योजना का करते होंगे, या उन्होंने घर घर नल की बात की थी, हर परिवार को घर की थी. तो ये ब्यूरोक्रेट जो दुनिया भरे के करप्ट है वो उनको क्या रोजी पिक्चर देते होंगे? ग्राउंड रियलिटी कौन बताएगा? अपोजिशन ज़्यादा पॉलिटिक्स करता है, रियलिटी में तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए. अब 5 साल के लिए वो सरकार बन चुकी है, दररोज सरकार गिरेगी ये बोलना भी गलत है. अब मोदी जी को जब लोगों ने चुन के दिया है तो सबके पहले हमारा एडमिशन होना चाहिए कि वो हमारे पंतप्रधान है और कई समस्याएं उनके गले की हड्डी बन गए. वो अर्बन इकोनॉमी के भरोसे देश को तीसरी महाशक्ति बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो 60% ग्रामीण जनता को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते. इस पर मेरी को बात करनी है और मैं करूँगा. उनकी योजनाएं जो है वो यूनिवर्सल हेल्थ की रहे या एजुकेशन की रहे या फिर यूनिवर्सल फसल बीमा की रहे, यूनिवर्सल बैंकिंग की रहे, तो गरीबों का या किसानों का हिस्सा उसमें मिलना चाहिए. किसानों, युवा, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़ों के लिए नहीं, इस प्रकार से ना, हाउ डू यू डिफाइन हिज मॉडल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? तिवारी साहब, वो तो इंग्रेजी वर्ड है तो अच्छा लगा होगा तो बोलते होंगे. सस्टेनेबल क्या है उनको क्या मालूम? कितने देश के किसान ऑफिशियल किसान है ये तो देखो बोलना. हाँ, कितने टेनेंट फार्मर है ये भी मालूम नहीं उनको, कितने लैंडलेस फार्मर है ये भी मालूम. और सस्टेनेबल बोले तो क्या गोबर की खेती नहीं होती? सस्टेनेबल यानि जिस खेती से नफा हम कमा सके वो खेती होती है. तो वो ग्राउंड पर जाके स्टेक होल्डर को पूछते क्यों नहीं, क्या बात तुम रात दिन मेहनत करते हो तो ये सस्टेनेबल एक्टिविटी है या? अगर लोन वेवर पे सरकारें लोन वेवर देती है, पैकेजेस पे बेल आउट पैकेजेस देती है, तो ये प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, सस्टेनेबल एक्टिविटी नहीं है. तो आपको प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल एक्टिविटी, एग्रेरियन एक्टिविटी या रूरल मासेस को करना है तो आप उसके लिए कोई 10 पॉइंट एजेंडा तो ले आओ कि मुझे ये 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 करना है और उसका इवोल्यूशन ईयर वाइज करो. अब मैं कहता हूँ आपके पास बुद्धिहीन बहुत लोग हैं, लेकिन देश में इस फील्ड में काम करने वाले जो मंझे हुए लोग हैं उनसे बात करो. आरएसएस की क्या भूमिका है उस पर बात करो. अरे मुझे मालूम नहीं ये किसकी सलाह लेते हैं और क्या लेते हैं. ये तो 100 दिन का कार्यक्रम बनाने के लिए इन्होंने कॉरपोरेट कंपनियों की सलाह ली थी और हिम्मत नहीं हुई जनता ने नकारने के बाद 100 दिन का कार्यक्रम घोषित करने के लिए. अब तो 100 दिन में 50 दिन वो विदेश में रहेंगे, 50 दिन वही बहसबाजी, वही फालतू बातें. वही सर, आप ये बताएं मुझे, इस विषय के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है लेकिन यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप अभी बताएं अभी क्या स्थिति है आज की तारीख में. दुनिया में ही नहीं, मैं भारत में भी और पूरी दुनिया में 3 मेजर कंपनीज हैं सर, 3, देयर आर 3 मेजर मल्टीनेशनल्स विच कंट्रोल द एंटायर सीड मार्केट, मॉन्सांटो, सिंजेंटा एंड डुपॉन्ट.
इनके बारे में बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, आपसे भी बात हुई, बहुत अलग लोगों से भी बात हुई कि महाभारत में भी देर आर अबाउट 1800 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉटन विच आर मैंशन। आज की तारीख में अपार्ट फ्रॉम वेरियस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जहां पर वो ओरिजिनल कॉटन सीड्स आपके प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, वी डोंट हैव एनी इंडियन कॉटन लेफ्ट। उसके अलावा बाकी सारे जो सीड्स हैं वो सारे के सारे आप मोनसांटो से खरीद रहे हैं, सिंजेंटा से खरीद रहे हैं, डुपॉन्ट से खरीद रहे हैं, और उनके बारे में कोई बात नहीं होती। एंड दोज कंपनीज आर डूइंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ बिजनेस फ्रॉम इंडिया। सो देखिए, एक समय था जब किसान को बीज और खाद के लिए कभी 5 पैसे देना नहीं पड़ता जी। मेजर रोल था उसको लेबर का जी। तो अब क्या हो गया, बीज का स्वातंत्र चला गया, बाजार से बीज लेना पड़ता। और ये तो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में ही इनिशिएट हो गया था और उस ग्रीन रिवॉल्यूशन में ही पेरेनियल क्रॉप और पेरेनियल सीड्स पे खतरा मंडाने लगा था। लेकिन ये चलता रहा तो हमारे फूड ग्रेन के सारे क्रॉप चले गए, कैश क्रॉप के सारे सीड चले गए और वेजिटेबल के चले गए जी। अब तो क्या है कि आपको हाइब्रिड के बाद स्टेट वैरायटी कहीं मिलती नहीं जी। आपको हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ और जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या हुआ, इससे ज्यादा सबसे महत्व है कि दुनिया में हम प्रोडक्टिविटी की रेस में बहुत पिछड़ गए। पिछले 10 साल में क्या हुआ कि वो स्वदेशी जागरण मंच वगैरह कल्ला हल्ला गुल्ला बहुत करने से किसानों का नुकसान हुआ, ऐसा मुझे लगने लगा था, क्योंकि सरकार ने इंडिजिनियस सीड के प्रमोशन के लिए कोई नेशनल प्रोग्राम तो लाया ही नहीं ना, मुझे बताइए। और टेक्नोलॉजी भी आने नहीं दी। क्या होता है कि भारत में चोरी हुई टेक्नोलॉजी के सहारे सारा सीड मार्केट डोमिनेट हो जाए या इनपुट के अंदर चाइना ओवरटेक कर ले तो हम क्या करेंगे। अभी मुझे बताइए, भारत के अंदर जो भारत की केमिकल इनपुट केमिकल एग्रो केमिकल इंडस्ट्री थी वो तो चाइना ने डुबा दिए और चाइना भारत पे एग्रीकल्चर पे छा गया है। अभी आपको मालूम नहीं, आप जिन कंपनियों के नाम ले रहे हैं इनके ज्यादा स्टेक होल्डर और शेयर्स के खरीदार चाइनीज होने को जा रहे हैं। अभी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, भारत की सरकार को उसकी एग्रीकल्चर पॉलिसी को लाना पड़ेगा, क्योंकि उसको उसके 150 करोड़ लोगों के खाने का मसला, स्वास्थ्य का मसला और जिंदगी जीने के मसले के लिए खुलकर बोलना पड़ेगा। और सर, यहां पे मैंने जान के पूछा आपसे, मैंने ये सवाल जान के पूछा, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू जे द थ्री कंपनीज आई मेंशन, मोनसांटो, डुपॉन्ट एंड सिंजेंटा, उसके अलावा बायर भी है, 2-3 और कंपनीज भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सारी, दे डील इन जीएम सीड्स एंड ऑल दैट। सर, क्या सरकार के पास आज की तारीख में ऐसे लोग हैं जो उनको ठीक ठाक तरीके से सलाह दे पाए, हु आर नॉट ऑन द चाइनीज पे रोल? आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन। नहीं, अभी तो जो लोग उनको सलाह देते हैं वो एक तो अमेरिका के दलाल है या चाइना के दलाल, और भारतीय कंपनियां जो है इसमें मेजर रोल अदा कर रही है, उनको कोई प्रोटेक्शन भी नहीं हो रहा है। क्राइसिस पीरियड में है तो वो बंद होने को जा रहे हैं, दिवाला निकल जाए, सरकार में कोई करना नहीं, चुनाव के चंदे के काम के है वो। और तो क्या, मैं बताता हूँ आपको कि सरकार एक आंकड़ा लेके आ जाए कि एग्रीकल्चर इनपुट के अंदर किसान विदेश में कितना पैसा देते हैं और सरकार तिलहन और दालों के लिए इंपोर्ट करने में कितना पैसा लगा दे? मैं सरकार बोल रहा हूं यानी भारत के अंदर से जाने वाला पैसा और भारत के अंदर आने वाला पैसा। तो मैं अभी आने वाली दालें और तेल मैं अभी बता रहा हूं, सरकार एक्सपोज हो जाएगी। मैं देखता हूं जहां काम किया मोदी जी ने, तिलहन पे गुजरात में काम किया,
ग्राउंडनट में बहुत काम किया, लेकिन भारत के लिए वो काम नहीं कर पाए। कर्नाटक है, आंध्र है, तेलंगाना है, इसमें किसान आत्महत्या में कमी आई है, तो वहाँ डायरेक्ट इनकम सब्सिडी इंट्रोड्यूस की गई। महाराष्ट्र में अभी पहली बार इनकम सब्सिडी की बात हुई, लेकिन आप सरकारें ऑफिशियली इनकम सब्सिडी देने लग जाए या किसान सम्मान सरकार खुद करने लग जाए, इसका मतलब किसान बहुत तकलीफ में है, ये सरकार ने मान्य किया है। अब 500 रुपया किसान को देंगे कि उससे क्या होगा? किसान का अगर आपको तकलीफ में है ये मान्य करना है, तो किसान के परिवार को जिंदा रखने के लिए खर्चा कितना आता ये आपने डिसाइड कर लेना और उतना पैसा देना। तो मुझे लगता है कि किसानों को सम्मान, लेकिन उसके पहले किसान की परिभाषा क्या है वो तो तय कर ले सर। अरे बहुत देखो राजू जी, मैंने बोला किसान की परिभाषा पर ही पूरा अटका हुआ है। एक तो लैंडलेस फार्मर को कोई पूछता नहीं जी, जो किराए से खेती करता है, जैसे अनंत अंबानी की खेती है 10-15 हजार एकड़, पर गुजरात में वो किराए से देते, गौतम अडानी जी ने किराए से दिए, तो वो लोगों को कोई लेजिटिमेट राइट थोड़ी क्रिएट। एंड बाय द वे ही इज अ फार्मर, सो ही डजंट पे टैक्स, यू आर अवेयर ऑफ दैट राइट? आनंद अंबानी साहब फार्मर है। नहीं, एक है ना, ये बहुत बुरी बात है कि आप है ना अंबानी अडानी इनको चोर बोलने। सर आई एडमायर द अंबानी, आई एडमायर मिस्टर अडानी एंड मिस्टर अंबानी, क्या बात कर रहे हैं सर। विपक्ष भी हरदम उनको गालियां देता है, वो ठीक नहीं है। चोर तो हमारे यहाँ पर ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन है। ब्यूरोक्रेट को सब नॉलेज है, फिर भी वो पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट नहीं करते। देखो सरकार की सोच भी ऐसी है कि लोग तकलीफ में रहेंगे तो मुझे पूछेंगे, अगर लोग बहुत कृपा की दृष्टि में रहेंगे तो मैं भगवान का डर बताऊंगा और भगवान लाऊंगा। मोदी जी को ये किसने बता दिया कि कृपा की दृष्टि से वो चुनाव जीतते? ये बहुत बहुत गलत इक्वेशन है। और तिवारी साहब, खरगे साहब ने कहा कि आरएसएस has infiltrated the education system, all the top alliance, जब देखोगे लेवल पे सब आरएसएस के लोग हैं, और मनुवादी विचार एडुकेशन सिस्टम के माध्यम से वो पूरे देश में इंपार्ट करना चाहते हैं ना। हाउ सीरियस इज खरगे साहब चार्ज दैट आरएसएस टेकन ओवर द एडुकेशन सिस्टम? तिवारी साहब, अरे खरगे साहब क्या है, अब वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। एक बात बताऊं मैं, आरएसएस के लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर रिकमेंड किया था और बहुत से यूनिवर्सिटीज में वो की पोस्ट पर आ गए हैं, लेकिन ऐसी कहीं पे मुझे आरएसएस की सोच नहीं लगती। अब मुझे बताइए, मनुस्मृति के बारे में इतना बोला जाता है, तो एक बार हो जाए मनुस्मृति पे चर्चा, सब लोग मनु महाराज को अच्छे से पढ़ ले, स्मृतियों को पढ़ ले। ये भारत मुगल राज में भी मनुस्मृति के स्मृतियों पे चलता था। अब मुझे बताइए कि वर्ण व्यवस्था उन्होंने निर्मित की, पर वो व्यवसाय पे आधारित थी, और मुझे लगता नहीं मनु के वचनों को अगर आप सुनेंगे तो पूरा जो सनातन समाज की रचना करने में उनका कंट्रीब्यूशन केवल वर्ण व्यवस्था इंट्रोड्यूस की इसके लिए ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। कैसे समाज में रहना चाहिए, लड़कियों का अधिकार, लड़कों का अधिकार, पितृ समाज, मतृ प्रधान समाज, और इसमें डिटेल में आखिरी तक गए हैं वो। तो आरएसएस के बारे में बीजेपी और आरएसएस को जोड़ के आज के इसमें देखना नहीं चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, जब मैंने देखा लाल कृष्ण आडवाणी थे, तब आरएसएस की कोई कमान थी? अभी तो ये दो बनिया भाई की कमान है, इनके मर्जी में आता है वो करते हैं। इन्हें ना लोकतंत्र से लेना है, ना प्रजातंत्र से लेना है, ना अब आरएसएस को क्या क्या चाहिए पूछ लिया उन्होंने। आरएसएस ने बोला 370 खत्म कर दो, कर दिया। आरएसएस ने बोला राम मंदिर बांध दो, तो उन्होंने राम मंदिर बांध दिया। अब आरएसएस वाले अब उन पे कुछ लादना चाहेंगे तो भैया तुम्हारी बात बताओ हम कर देंगे,
आपने तो आरएसएस की स्थापना ही की थी कि हिंदू की ये करना वो करना, तो आरएसएस के लोगों को उन्होंने अब सलाह देने की बात नहीं मानी है। तो मोहन भागवत जी कितना भी बोलो कि आप सेवक हो, विनम्र हो जाओ, ये हो जाओ, तो 1,00,000 करोड़ जिनके पर्सनल खर्चे हो जाते हैं वो पंतप्रधान क्या विनम्र होगा? देखिए, राजधर्म और समाज धर्म और शुद्ध धर्म की भाषा पहले होनी चाहिए, संप्रदाय और प्रार्थना पद्धति की बात बाद में होनी चाहिए। शुद्ध धर्म में क्या आता है, तो पहले शील की रक्षा होनी चाहिए। यहाँ तो शील की रक्षा ही नहीं हो रही, यहाँ जो संयम नहीं है, चारित्र नहीं है, और झूठ पे झूठ बोला जाता है। अभी ये सब चीजें है जिन्होंने शील छोड़ दिया, वो क्या समाधि लगाएंगे, उन्हें क्या प्रज्ञा का ज्ञान होगा? मैं अभी बोलता हूँ, फिर से हमें जाना पड़ेगा। और मैं वो राजनेताओं की, वो जनपद के सम्राटों की कदर करता हूँ जो भगवान बुद्ध के शरण में जाके सलाह लेते थे। ये तो सलाह देते हैं, ये तो सलाह देते हैं भाई, ऐसे राजनेता क्या काम के जिसका अहंकार आसमान पे। लेकिन एक चीज है किशोर तिवारी जी, एक चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि मनुस्मृति में वास्तविकता में क्या है, मनुस्मृति में क्या कहा गया है, और मनु ने जो भारत को दिया और भारतीय संस्कृति को दिया उसके ऊपर अच्छे तरीके से चर्चा होनी चाहिए। आज की तारीख में मनुवाद, मनुवाद इट इज बिकम अ डर्टी वर्ड विच इज इनकरेक्ट, पीपल हैव नॉट रेड मनु, पीपल हैव नॉट रेड द मनुस्मृति। आई थिंक अ प्रॉपर रीडिंग ऑफ द मनुस्मृति इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। सर, वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति में से हिंदू लॉ के लिए जो बातें थी वो उन्होंने कायम रखी, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ही खुद ही पीड़ित हो गए थे ब्राह्मणवाद के वजह से। ब्राह्मणों ने क्या किया कि सब कुछ संस्कृत में कर दिया, लोकवाणी में कुछ नहीं रखा, पाली भाषा में लाकर वह जो जब वो लोकवाणी थी पाली, उसमें गौतम बुद्ध ने लाकर पूरे भारत में संघ की स्थापना कर दी थी। बाद में शंकराचार्य आके, शंकराचार्य ने जो टीका की और शंकराचार्य ने जो पुनर्स्थापना की, तो शंकराचार्य ने भी मनुस्मृति पर बहुत काम किया है। और शंकराचार्य का बहुत कुछ तो कटपेस्ट ही काम है ऐसा लोग अभी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मनु जी को जिन्होंने बहुत डिटेल में अभ्यास किया है, वो जो समाज की रचना करके गए, शायद उसके शरण में हमको आना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मणों ने जो कचरा किया था और ये जो वर्णवाद लाकर अछूत बनाकर दलितों पे अत्याचार किया, उसके वजह से कितने दिन तक ये भारत को लगा हुआ डाक कायम रहेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन पतंजलि सूत्र हो या फिर सुप्त सुपटिक हो या अधिधर्म की पटिक हो या भगवान महावीर का हो साहित्य हो या सनातन धर्म की समाज व्यवस्था पर राज्य व्यवस्था पे मनु ने किया हुआ काम हो, इसका अवलोकन तो होना चाहिए। आप ब्राह्मणों के अत्याचारों के लिए हमारे वेदों में जो शाश्वत चीजें है उसको नकार नहीं सकते। मैं वेदांत की बात कर रहा हूँ, मैं वेदांत की बात। नाउ यू आर टेकिंग अस इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर, डिफरेंट एरिया ऑल टुगेदर, एंड यू कैन टॉक एंडलेसली ऑन दैट, एंड दिस डिस्कशन कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट आई एग्री विद यू एंटायरली। देयर आर टू थिंग्स, देयर इज अ रूरल क्राइसिस इन द कंट्री, ग्रामीण भारत में एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, काफी सालों से है, और एक दिन वो फटेगा। इसके पहले के वो फटे, मुझको ऐसा लगता है कि आज की जो सरकार है उसको एकदम फौरन उसको संज्ञान में लेना चाहिए और आप जैसे लोगों को वापस बुलाना चाहिए एज अ कंसल्टेंट एंड एडवाइजर, कि भैया क्या किया जाए, आप लोग एडवाइस करें और उसके ऊपर एकदम फौरन फौरन उस पर काम करना चाहिए। नहीं, नहीं, राजू जी एक जी। बात पे बोलता हूँ, सत्ता संपत्ति और सम्मान इसके अधिकारी
बनने के पीछे ही तो मोदी जी अच्छे के बुरे हो गए, अब मुझे मत अच्छे का बुरे बना। किशोर तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, एंड यू रियली आर लुकिंग वेरी डैपर एंड वेरी सुआव in that combination that you're wearing. And the Vipassana has really energized his face. Absolutely. It's lit up. Absolutely. He's looking 25 years younger. Yes. Thank you, sir. Namaskar. Well, that's just about it for tonight's show. Aaj ke show mein zirvit nahin. And it's raining. It's Mumbai. It's raining. The Ambani wedding is taking place in pouring rain. I hope everybody's all right. I hope everybody's all right in the rest of the city. But at the moment, Pradeep ji, I don't get any reports of any flooding anywhere or waterlogging. There were two things we were afraid of, that the Ambani wedding would bring entire thing to a standstill. It has not happened. It has not. It's not happened, no. People can move around freely, except one small part where the Jio Center is there. The whole of BKC is actually free since morning. And second thing, as you said, floods. No, there aren't any. There are not at the moment. So maybe what Mr. Rakesh Shetty said the other day is absolutely correct. One major rain, hurricane style rain, and all the drains and everything else have been cleaned out by the rains themselves. So which is a very good thing. But by the way, as far as the Ambanis are concerned or the Adanis are concerned, in my personal opinion, irrespective of what I might be thinking about, about all these functions, about the so-called display of whatever wealth, etc. is concerned, there's one thing which really and truly tickles me, which is the ability of an Indian to snap his fingers and call in the biggest billionaires from all over the world to come and attend his son's wedding celebrations, to get the best entertainers, to get the best Hollywood stars to come in over here perform. That's right. At just a just a snapping of his fingers, and which is fantastic, by the way. They never moved. They were just there here in Mumbai and everything just happened. I am so proud of that, by the way. Really and truly proud of what the Ambanis have managed to achieve. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. Aaj ke show mein sirf itna hi. Please do keep subscribing to the channel and keep sending in your comments. We'd like to hear from you. Aap jis bhi subject ke baare mein aap jo bhi kehna chahein, aap zarur apne comments bheje. Please do send me your comments. Mr. Modi is of course expected over here in Mumbai tomorrow. I think he might be just going and blessing the Ambani couple, which will be a good thing. And apart from that, of course, he's going to be inaugurating a couple of projects right over here in Mumbai. From Pradeep ji and myself and from the entire team at Nation Now, we once again give our best wishes and congratulations to Anant Ambani and to his lovely wife and to the entire Ambani family and the Merchant family from all of us here at Nation Now. Right, that's just about it. Aap sabko namaskar. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji, Vande Mataram. Vande Mataram. Jai Siya Ram. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev.